आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, ऐ खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक्या ना होगा। उसने फिर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जिले जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफी जाएं। एक बादशाह था जो ना सिर्फ अपनी सल्तनत में बल्कि दूसरी बहुत सारी बादशाहत में भी मशहूर था, लोग जानते थे, और उसकी मकबूलियत की वजह वो रहम दिल था, दया करने वाला और बेसहारों का सहारा बनने वाला। इसी मकबूलियत की वजह से लोग दूर दूर से उसके पास आते थे ताकि उससे मदद हासिल करें, उससे मदद हासिल कर सकें। ऐसे ही एक शख्स जो दूसरे ऐसे ही एक शख्स जो दूसरी सल्तनत से उसके पास आया, लेकिन इससे पहले कि वो दरबार में दाखिल होता, महल में दाखिल होता, जो गेट पर खड़े हुए सिपाही थे उन्होंने उसे रोका और उससे दरियाफ्त करना चाहा कि तू क्यों आया यहां। उसने बताया कि मैं बादशाह से मदद लेने के लिए आया हूं। तो सिपाही ने कहा कि जी मैं दो शर्तों से तुझे अंदर बादशाह के सामने पेश कर सकता हूं। उसने कहा, कौन सी शर्त? कहता, पहली शर्त कि तुझे अंदर जाने के लिए यहां 15 दिनार देने पड़ेंगे। 15 दिनार? उसने जैसे तैसे अपनी जेब पोतलियों में से पैसे इकट्ठे किए और उससे पास 10 दिनार हुए। उसने कहा, जी 15 दिनार तो नहीं मैं दे सकता, मेरे पास सारे कुल मिला के 10 दिनार है। उसने कहा, चल ठीक है, दे दे, वही दे दे। और दूसरी शर्त ये कि बादशाह से तू जो कुछ भी हासिल करेगा, तुझे बादशाह जो कुछ भी देगा,
उसका आधा हिस्सा मेरा है, 50% मेरा है। उसने कहा ठीक है जी, दे दूंगा जो भी बादशाह से मुझे हासिल होगा। जैसे महल में दाखिल हुआ, दरबार लगा था, और वो पहले ऐसा नहीं था कि अकेला मदद के लिए आया था, और बेशुमार से लोग थे। आखिरकार जब उसका नंबर आया, उसकी बारी आई, तो अपनी बारी पर उसने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं आपसे मदद लेने के लिए आया हूं, इससे पहले कि मैं मदद आपसे हासिल करूं मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि मुझे 80 कोड़े लगाए जाएं। अब बादशाह ने जब ये सुना कि ये जो फरियादी आया है ये तो 80 कोड़े मांग रहा है, कई लोग ये सुनकर हंसने लगे, कई लोगों ने ताज्जुब की निगाह से देखा, और कईयों ने सवालिया निगाह से कि क्यों ये 80 कोड़े मांगता है। बादशाह ने उन सारे बातों को, खामोशी को तोड़ते हुए उससे कहा, तू मुझे बता तूने क्या जुर्म किया है कि जो 80 कोड़ों की सजा तलब करता है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कोई गुनाह या खता नहीं की है, लेकिन जब मैं आपके दरबार में आया, इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होता, तो उसने सारी रौदास सुनाई कि बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने मुझसे 15 दिनार मांगे और मैं 10 देकर अंदर आया हूं, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुझे बादशाह से मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें देना है, तो इसलिए मैंने 80 कोड़े मांगे हैं ताकि 40 मैं खाऊं और 40 वो खाए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा क्यों तू मुझे उसकी शिकायत करता, उसकी कंप्लेन करता, तो तुझे कुछ भी ना मिल, सजा ना मिलती। उसने कहा क्योंकि मैंने बुरे का साथ दिया है, बुरे का साथ दिया है, उसने बुराई के लिए कदम बढ़ाया और मुझसे रिश्वत मांगना चाहिए, और मैंने अपना मतलब या अपना मकसद पूरा करने के लिए उसको रिश्वत दे दी, गो के उसकी मिकदार के मुताबिक नहीं, अपनी अतात के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक उसको मैंने वो रिश्वत दे दी, तो सजा का हकदार मैं भी हूं। बादशाह ने यह जब सुना और हैरान हुआ कि मेरी सल्तनत में, मेरे ही दरबार में, मेरे ही महल में ऐसा हो रहा है, उस सिपाही को बुलाया गया और उससे दरियाफ्त किया गया कि तूने इससे क्या पैसे मांगे थे। जैसे हम जब कोई गलती कर लें, हमसे कोई जब मिस्टेक हो जाए और हमसे जब पूछा जाए कि तू इंज कीता है, देखिए असि आसानी ना कह रहे जी हमने कीता है मास्टर जी, नहीं ना, क्या करते हैं, साफ चिट्टा इनकार, नहीं जी नहीं, साढ़े तो अच्छा मुकद्दस पाक है कोई नहीं। और ऐसा ही उसने किया, नहीं नहीं बादशाह सलाम, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके महल दरबार में होते हुए। आखिरकार कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने हाथ उठाया और गवाही देने के बाद, शहादत देने के बाद फैसला हो गया सिपाही ने ये किया है। तो फिर जो 80 कोड़े उसने मांगे थे, वो जो आधे आधे मिलने थे, वो पूरे के पूरे उसे मिल गए, पूरे के पूरे उसे मिल गए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी होता है, हम भी इस खुदा की सल्तनत में, खुदा की इस कायनात में, इस दुनिया में एक खास रुतबा या एक खास फजल देकर भेजे गए। और वो रुतबा क्या, कि हम इंसान हैं, और इंसान होने के साथ साथ हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम भी अपना मतलब निकालने के लिए हर वो काम और हर वो अमल करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा, चाहे वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं, चाहे उससे दूसरों का नुकसान होता है या नहीं, हम उसकी परवाह किए बिना अपनी मर्जी, अपना फायदा या अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पालूस रसूल
वाजिया तौर पर कहता है कि अपने बदन बतौर जिंदा कुर्बानी पेश किए जाएं, जिंदा कुर्बानी। और हमारे लिए जिंदा कुर्बानी का मतलब क्या है? हम सब जो अपने अपने घरों से खुदा के घर में आए हैं ताकि उस जिंदा कुर्बानी में शरीक हो। और जिंदा कुर्बानी क्या? पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी में हम शामिल होते हैं, पाक मास में शरीक होते हैं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल कर सकें। लेकिन जब भी कुर्बानी का तस्करा आता है तो हमारे जहनों में सबसे पहले ईमानी तौर पर, सबसे पहले हमारे जहनों में ईमानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी आती है कि उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। और उसकी सलीब पर जान कुर्बान करने से पहले खुदा ने कुर्बानी दी कि अपने बेटे को सब कुछ जानते हुए कि वो इस दुनिया में किस तरह की जिल्लत और मौत बर्दाश्त करेगा, वो कुर्बानी देता है कि अपने बेटे को इस दुनिया में इंसान होकर के भेजता है। मुकस्सा मां मरियम सब कुछ जानते हुए कि उसकी जान से तलवार गुजर जाएगी, बचपन से लेकर जवानी तक यीशु मसीह की परवरिश करती है। और उसे पता है, इल्म है कि खुदा ने उसे जिस मकसद के लिए चुना है वो उस मकसद में शरीक होती है और अपने जवान बेटे की कुर्बानी बर्दाश्त करेगी। और ये उसके लिए कुर्बानी थी, ये मुकद्दसा मां मरियम के लिए कुर्बानी थी। और बेटा भी वही कुर्बानी देता है और बेटा भी उस कुर्बानी को खुश सलूबी के साथ, बेटा भी उस कुर्बानी को बड़ी खुश सलूबी के साथ, ईमान के साथ और वफादारी के साथ कबूल करता है और अपनी जान कुर्बान करता है। इसलिए कहते हैं कि मसीहत की बुनियाद या आगाज शहीदों का खून है। और कुछ कहते हैं कि मसीहत का दूसरा मतलब भी कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जड़ावाला में मसीहों को जुल्म का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में कई बार ऐसे वाकयात हुए, इंफरादी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर पूरे के पूरे इलाकों को भी जुल्म का निशाना बनाया गया। और मसीही कुर्बानी देते हैं लेकिन मसीहत को छोड़ते नहीं हैं, मसीहत से दूर नहीं भागते। घर जलाने हैं तो जला दो, लेकिन हम अपने ईमान से मुनकिर नहीं होंगे, दूर नहीं भागेंगे। ये हमारी कुर्बानी है और यही हमारा खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर करना है। और जब हम कुर्बानी देते हैं, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, वो खुदा के जलाल का जरिया बनता है। पहली बार था किसी मासूम को, किसी बेगुनाह को सलीब चढ़ाया गया। उससे पहले जिनको सलीब चढ़ाया जाता रहा वो गुनहगार थे, जालिम थे, चोर थे, माशरे के गुनहगार थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उस सलीब को कबूल किया, अपनी जान कुर्बान की, तो उससे खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जिनके लिए वो जिल्लत का निशान था, हमारे लिए वो ईमान का निशान बन गई, जिंदगी का निशान बन गई और खुदा के जलाल का। इसलिए कुर्बानी जब हम देते हैं तो खुदा के जलाल का जरिया और वसीला बनते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करता है, ना सिर्फ अपने आप को तैयार करता है बल्कि वो उस कुर्बानी के लिए अपने साथियों को भी, रसूलों को भी तैयार करता है, साथियों को भी और रसूलों को भी तैयार करता है। और तैयारी के लिए क्या कहता है आज के जिले मुकद्दस? ऐसा नहीं कि पहली बार खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को अपनी मौत की बाबत बताया हो। आपको याद होगा कुछ ही त्योहार पहले कि जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गया और उसकी सूरत बदल गई, याद है वो वाक्या? और जब सूरत बदल गई तो कौन कौन उससे मिलने के लिए आया था?
मूसा और इलियास उससे मिलने के लिए आए। शब जब वो उससे मिलने के लिए गए तो रसूलों ने क्या कहा, हम यहां तीन डेरे बनाए किस किस के लिए, पहले यसू के लिए, फिर मूसा और इलियास के लिए। उसके बाद से खुदावंद यसु मसीह, हमने जो भी इतवारों में तलावतें सुनी उसके बाद की तलावतों में से यीशु मसीह गाहे बगाए रसूलों को तैयार करता है कि वो किस तरह की मौत बर्दाश्त करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब चीजें। जैसे आज के जिले मुकद्दस में वो कहता है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और बुजुर्गों, सरदार कहिनों, फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और कत्ल किया जाऊंगा, मरने की खबर देता है। और जब वो मरने की खबर देता है तो उस वक्त क्या होता है, क्या होता है उस वक्त, जरा गौर करें। आप अपने घर में, वालदैन अपने बच्चों में से और बहन भाइयों में से, अगर हमारा कोई घर का मेंबर ये कह दे कि मैं मरण वाला हो गया, मैं मर जाना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, हैं? खुदा ना करे, शाबाश। एक तो ये जुमला अदा होता है और दूसरा पसीना भी छूट जा, डर लगता है और हम डांटते भी हैं उसको, तू ऐसे अल्फाज क्यों मुंह से निकाल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। अब क्योंकि ये हमारे घर के करीबी मेंबर है, कभी कभी हम उसे डांटते हुए मारते भी हैं, बड़े थप्पड़ भी हल्का सा ठोक देते, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है या कर रही है। ये ऐसा करने से हरगिज नहीं कि हम नफरत जाहिर कर रहे हैं, ऐसा करके हम क्या जाहिर कर रहे हैं, हम उससे अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तू मरे हमारी आंखों के सामने या कान ऐसी बात या सुनने ही ना, हम तैयार ही नहीं है इसके लिए। ये घर के रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं कि जो हम अपने घर में अदा करते रहते हैं और डांट कर रोक देते हैं, डांट कर रोक देते हैं। ये तैयारी का अमल था जो यीशु मसीह कर रहा है। जैसे कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, वो चार साल तक, पांच साल तक हेपेटाइटिस का पेशेंट रहा और गाहे बगाहे दवाइयां और मेडिसिन और नए नए डॉक्टरों के साथ उसका विजिट होता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी का जो आखिरी महीना था उसने सीएमएच हॉस्पिटल में गुजारा। सीएमएच हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो गाहे बगाहे आखिरी महीने में डॉक्टर हमें गाहे बगाहे आगाही देने लग गए कि नहीं जी बस अब ये इसका थोड़ा ही वक्त रह गया। जब इन सारी बातों को जब डॉक्टर हमें बताने लगे कि जी मर्ज आखिरी स्टेज पर चला गया है, हकीकत में वो हमें मेंटली तैयार कर रहे थे, हमें ये बावर कराना चाह रहे थे कि बस इसकी जिंदगी थोड़ी है, बस ये किसी भी वक्त कूच करेगा, इंतकाल कर जाएगा। अब क्योंकि मेरा बड़ा भाई ननियाल में से, बहनों में से, बहनों के बच्चों में से पहला बेटा था और दरदयाल में से भाइयों के बच्चों में से, यानी मेरे ताया चाचाओं में से वो पहला बेटा था। तो जब पहला बेटा होने का रुतबा ननियाल में भी मिल गया, दरदयाल में भी, तो वो दोनों की तरफ से मोहब्बत का या प्यार इकट्ठा करता रहता था। तो सबके लिए बड़ी दुख की बात थी, जो आसानी से कबूल कर सके उन्हें कम दर्द महसूस हुआ जब तैयारी कर ली, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए तकलीफ और दर्द कुछ ज्यादा ही था। अब ये तैयारी जब हम कर लेते हैं तो हमें वो आने वाले वक्त पर जो दर्द तकलीफ मिलता वो कम होता। अब यीशु मसीह भी उसी दर्द और तकलीफ से बचाने के लिए अपने रसूलों को तैयार कर रहा था। अब पतरस ने क्या कहा, क्योंकि पतरस का उस्ताद था, रूहानी रहनुमा था, रबी था, तो जब उसे वो कहता है, लिखा है कि वो यसु को पतरस अलग ले जाकर एतराज करने लगा, जैसे हम भी गिला करते हैं, क्यों तूने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला, खुदा ना करे ऐसा हो,
तो पतरस भी इतराज करता है यसु के साथ और क्या अल्फाज अता करता है, ए खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना हो। जब वो अपने कत्ल किए जाने की या मौत की बात करता है तो पहली तो बात कहता है कि तेरी सलामती हो, जैसे हम कहते हैं खुदा ना करे, उसने कहा तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना होगा। अब ये बातें थी कि जो वो यीशु के बारे में ख्याल रखता है और उसकी मौत का सुनकर नहीं चाहता कि मौत वाकया, जैसे हम अपने घर में करते हैं, अजीज रिश्तेदारों के लिए, घर के मेंबरान के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, ये अल्फाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे ही वहां भी था। यहां तक तो यीशु मसीह की तैयारी और मौत का तज़किरा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पत्रस से दोबारा मुखातिब होता है, दोबारा बातचीत करता है, तो याद रखें कि जब भी हम कोई खुदा का काम करते हैं, खुदा के प्लान के मुताबिक, खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले शैतान आकर रुकावट बनता है, शैतान आकर रुकावट बनता है। और जब हम ये कहते हैं कि शैतान आकर रुकावट बनता है, तो हमें उसे पहचानने की जरूरत है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है कि वो शैतान किस तरह से आता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जुमला अदा किया, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। क्या पत्रस शैतान था? क्या नहीं? ये वही पत्रस है जिसे यीशु मसीह ने कैफा कहा, ये वही पत्रस है जो कलीसिया के लिए चट्टान बना, ये वही पत्रस है जो कलीसिया में पहला पोप बना, यानी यीशु के बाद कलीसिया का सरबरा, हदायत और रहनुमाई करना, ईमान की मजबूती का जरिया बनने वाला, ये वही पत्रस था। लेकिन उसे खुदावन यीशु मसीह कहता है, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब जब शैतान, जब हम खुदा का काम करना शुरू करते हैं, खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं या कोई बात करते हैं, तो शैतान किसी भी सूरत में आता है। जैसे आज आप सब खुदा के घर में आए हैं, खुदा के घर में आए ताकि पाक कुर्बानी में शरीक हो, खुदा का कलाम सुने और पैगाम सुनकर दुआ कर सके। अब अक्सर बात होता क्या है, आज भी होता है और बार बार होता है, कि हमारे साथ बैठने वाले दोस्त, सहेली, घर के मेंबरान, ग्रुप्स के मेंबरान, जब हमारे साथ बैठे होते हैं, हम कलाम की बात कर रहे हैं, कलाम की बात कर रहे हैं, दुआ की बात कर रहे हैं, पाक यूक्रिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कानों में कोई और ही बात करते हैं, उधर देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, हम घर की बातें लेकर बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, ये दो लोग, एक जो कलाम सुन रहा है बरकत हासिल कर रहा है, लेकिन दूसरा उसे खुदा की राह में आने से रोक रहा है, यानी खुदा का कलाम सुनने से रोक रहा है। तो उस वक्त जुर्रत करना, उस वक्त जुर्रत करना दूसरे शख्स को भी शैतान से बचा देता है। अगर हम उस वक्त यह कह दें, ना सिर्फ गिरजाघर की बात कर रहा हूं, घर में भी, मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, कंपनी में भी, काम करने वाली जगह में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, फैक्ट्रीज में भी, हर जगह आपको जायज और नाजायज के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान फैसला करना है, और उस वक्त कहना, जो गलत तंबीह कर रहा है, गलत राह दिखा रहा है, उसे कहना, ऐ शैतान दूर हो। इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, इसके लिए जुर्रत की जरूरत है कि जो मेरा करीबी दोस्त है, सहेली है, हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो, कलाम हो रहा है और इंचार्ज कह रहा है, ऐ फड़ ऐ गीत गाने, इंचार्ज कह रहा है रुक जा कारी ग्रुप, ये मुनाजात तेरी है, उस वक्त कहना कि ऐ शैतान दूर हो, मैनू कलाम सुनने दे, ऐ शैतान दूर हो, मुझे पैगाम सुनने दे, क्योंकि ये कलाम और पैगाम मेरी जिंदगी से खत्म नहीं होगा, ये कलाम और पैगाम ही मुझे खुदा की कुर्बत और खुदा के जलाल तक लेकर जाएगा, ये कलाम और पैगाम ही मुझे एक अच्छा शागिर्द बनाएगा,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है आज की इंजील मुकद्दस में कि जो मेरा शागिर्द बनना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। आप में से कौन खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है? जिस किसी ने हाथ उठाया है, याद रखें 1000% और उससे भी कहीं ज्यादा एक हकीकत और सच्चाई की बात, आप सब जो शागिर्द बनने के लिए हाथ उठा रहे हैं आप उसके शागिर्द हैं, आप उसके रसूल हैं। बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही होंगे, क्योंकि बपतिस्मा के वक्त जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं बपतिस्मा के साथ ही हम उसके शागिर्द बन जाते हैं, बादशाह बनते हैं, नबी बनते हैं, कहीन बनते हैं, और एक रसूल यही काम करता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, रसूल की मानित पैगाम देने वाले। सिर्फ जरूरत क्या है उस शागिर्दियत को, उस रसूल बनने की ताकत को, फर्ज को अदा करना है, फर्ज को अदा करना है। और जब वो कहता है कि अपनी सलीब उठाओ, खुद इनकारी करो और मेरे पीछे हो लो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगी में खुदा और मेरे दरमियान, इसी तरह आपने कहना है सब मिलकर के, खुदा और मेरे दरमियान। अब जो भी चीजें, जो भी बातें, जो भी काम, जो भी अमल, जो रुकावट बनते हैं वो मेरी सलीब है। जैसे झूठ बोलने की कई लोगों को आदत होती है, मैं एक छोटे पैमाने की बात कर रहा हूं, आपको अपनी जिंदगी में खुद जांचना और पड़ताल करना है, अपने आप को खुद परखना है कि मेरी जिंदगी में सलीब क्या हो सकती है। जैसे झूठ बोलना, झूठ से हम थोड़ा सा फायदा तो हासिल करते हैं लेकिन हकीकत में खुदा के जलाल में शामिल होने की रुकावट पैदा हो जाती है, तो फिर वो सलीब बन गई है। अपनी सलीब उठाना, खुद इनकारी करना, हकीर बनाना। मिसाल के तौर पर मैं झूठ बोलता हूं मास्टर जी के साथ, तो मुझ में इतनी खुद इनकारी इंसारी आ जाए, खुद इनकारी कर सकूं कि अगले ही लम्हे, अगले ही दिन मास्टर जी को कहूं, मास्टर जी कल मैंने झूठ बोला था, मैं माजर चाहता। अपने आप को हकीर और आजिज बनाना यह है, खुद इनकारी करना यह है। जैसे कोई भी चीज जो हमारे बदन को पामाल करती है, क्योंकि बदन तो रूह कुदस की हैकल है ना, और जो हमारे बदन को पामाल करती है, उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना, उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना। मैंने कहा चीजों और बातों से, और बात जो हमारे कामों में शामिल हो जाते हैं, हम कहते हैं और फिर करते हैं, हम कहते हैं और फिर करते हैं, वो काम बन जाते हैं। लेकिन जो चीजें हम खाते हैं, जैसे गुटखा, ओ सॉरी मैं माजरा चाहता हूं, गुटखा नहीं, चॉकलेट जो हम खाते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं, उनके लिए वो चॉकलेट से भी बढ़कर है। याद रखें कि वो आपके बदन को तबाह करते हैं, तो फिर वो सलीब बन गई कि हां अगर मैं दिन में 2 बार खाता हूं, इंज होता नहीं कोई 2 बार खाए, 200 बार कहां तक माना जा सकता है कि नहीं, ठीक है, अब वो सलीब है मेरी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं झूठ बोलना, मैंने नहीं लालच करना, मैंने नहीं धोखा देना, मैंने हर उस काम और अमल से अपने आप को हल्का करना है, तो सलीब है मेरी वो। और जैसे जैसे हम उठाते जाएंगे सलीब, खुद इनकारी करेंगे कि हां मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा, तो वो हमारे लिए निजात की तरफ बनेगा। फिर हम सच्चे और अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, फिर हम खुद इनकारी करते हुए खुदा के जलाल की तरफ बढ़ सकते हैं।
और जब कभी हम ना कर पाए, और जब कभी, क्योंकि मैंने देखा है ये कि अगर एक कोई अच्छा बनना चाहे ना चॉकलेट छोड़ दे खाना, तो दोस्त नहीं छोड़न देंगे कि नहीं कि नहीं। तो आनू नहीं पूछ रहा, बाहर आने पूछ रहे, ठीक है। तो क्या मैं बताना चाहता हूं, तो फिर वहां कहना ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैंने यस्सू की मानिंद अपनी सलीब उठाई हुई है, मैं यस्सू के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैं ये अमल नहीं करूंगा। फिर हम उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां होने का फर्ज अदा कर सकते हैं। फिर जो हमने हाथ उठाया जी मैं रसूल बनना चाहता हूं, रसूल तो हम पहले से ही बन गए, अब उस रसूल होने का हक अदा करने का वक्त है। मेरी दुआ है कि कुदूस बाप हम सबको ये जुर्रत ईमान की मजबूती अता करे कि हम भी यस्सू की मानित कह सकें कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो।